जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं स्वामी राजर्षि स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में, जहां आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कन्या यानी कि वर्गो राशि के जुलाई 2024 के मासिक राशिफल की। साल 2024 के पहले 6 महीने बीत चुके हैं। 29 जून से शनिदेव जी भी अब अगले 135 दिनों के लिए वक्री हो चुके हैं। क्या इस दौरान कन्या राशि के अधूरे सपने होंगे पूरे, या फिर ग्रहों की चाल की वजह से उठाना पड़ेगा उन्हें कोई नुकसान? मैं स्वामी राजर्षि विस्तार से आज इस वीडियो में इस विषय पर चर्चा करूंगा। ये जो मेरा विश्लेषण है उन सभी लोगों पर एकदम सटीक रूप से लागू होने वाला है जिनकी चंद्र राशि या लग्न राशि कन्या यानी कि वर्गो है, या फिर जिन भी लोगों का नाम पी अक्षर यानी कि प अक्षर से शुरू होता है, उन सभी को मेरा विश्लेषण बहुत ध्यान से जरूर देखना चाहिए। आइए सबसे पहले हम कन्या राशि की जुलाई 2024 की कुंडली पर एक बार नजर डालते हैं कि कौन सा ग्रह कहां पर विराजमान है, क्या उसके संभावित फल हो सकते हैं, कौन से योगों का निर्माण कर रहे हैं। तो सबसे पहले भाव के अंदर केतु देवता विराजमान है, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा भाव जो है वो इस समय पर मुख्य ग्रहों से वंचित है। सीधे बात करेंगे छठे भाव की। छठा भाव जो कि हमारे लिए हमारी सर्विस को दिखाता है, हमारे रोजमर्रा के जीवन को दिखाता है, हमारी दिनचर्या को दिखाता है, हमारे जीवन में आ रही चुनौतियों और कठिनाइयों के बारे में बताता है। ये उन लोगों के लिए भी बहुत बड़ा हाउस ऑफ इंटरेस्ट है जो कि किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। वहां इस समय पर सबसे बड़ा फेरबदल हुआ है। शनिदेव जी 29 जून से यहां पर वक्री हो गए हैं और अभी 135 दिनों तक। इसकी वजह से कन्या राशि के जीवन में क्या बदलाव हो सकता है, मैं आगे इसके बारे में चर्चा जरूर करूंगा। इसके बाद सप्तम भाव पर बढ़ते हैं जो कि आपके जीवन साथी को, आपके बिजनेस पार्टनरशिप्स को और आपके बिजनेस को भी दिखाता है, समाज में आपके परसेप्शन को भी दिखाता है। उस भाव के अंदर इस समय पर राहु देवता मीन राशि में विराजमान है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर राहु अपने आप को इतना कंफर्टेबल नहीं महसूस कर सकते। इसका क्या प्रभाव आपके बिजनेस पर पड़ सकता है, आगे इसकी चर्चा जरूर करूंगा। अष्टम भाव की चर्चा करते हैं। वह मंगल देवता एक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। क्या है उस राजयोग का नाम? उस राजयोग का नाम है सरला राजयोग। ये एक विपरीत राजयोग होता है कन्या राशि वालों के लिए। जब मंगल जो कि अष्टम के स्वामी है अष्टम में विराजमान होंगे तब इस सरला राजयोग का निर्माण करते हैं। इसके प्रभाव के भी आगे मैं आपके साथ चर्चा करूंगा, कुछ खुशखबरियां इस योग से जुड़ी हुई आपको जरूर दूंगा। नवम भाव की चर्चा करते हैं। वहां तो देव गुरु बृहस्पति कन्या राशि पर अपने आशीर्वाद की निरंतर वर्षा कर रहे हैं और जैसे जैसे नित्य प्रतिदिन देव गुरु बृहस्पति मजबूत हो रहे हैं कन्या राशि को उनके भाग्य में निश्चित रूप से इससे लाभ जरूर मिलेगा। क्या फल होने वाला है आगे इसकी चर्चा करेंगे। दशम भाव में सूर्य देवता मिथुन राशि के अंदर महीने के पहले पूरे भाग में विराजमान रहने वाले हैं, तो ये भी कन्या राशि के लिए बहुत शुभ योग बना रहा है क्योंकि ऐसे जो विराजमान सूर्य है वो करियर में प्रोग्रेस दे सकते हैं, जॉब दिलवा सकते हैं। सरकारी नौकरी वालों के लिए कुछ विशेष सूचनाएं यहां पर आगे जरूर दूंगा। बात करूंगा एकादश भाव की क्योंकि वहां से सबसे ज्यादा गुड न्यूज इस समय पर कन्या राशि को मिल रही है क्योंकि उनके लिए यहां पर एक नहीं बल्कि दो दो राजयोगों का निर्माण हो रहा है। सबसे पहले धर्म कर्म अधिपति राजयोग, ये इस वजह से निर्माण होता है जब दशम और नवम भाव के स्वामी एक साथ विराजमान हो जाए। फाइनेंशियल दृष्टि से बहुत शुभ योग है क्योंकि ये एकादश भाव हाउस ऑफ इनकम में बन रहा है। इसके साथ साथ बन रहा है लक्ष्मी योग जो कि निश्चित रूप से आपके इनकम को इस समय पर बहुत अच्छे से प्रभावित कर रहा है। बहुत सारी खुशखबरियां इससे जुड़ी अभी आगे आपको मैं जरूर दूंगा। बात करूंगा द्वादश भाव की जो कि इस समय पर मुख्य ग्रहों से वंचित है।
चलिए अब इस ग्रह गोचर के आधार पर कन्या राशि के जुलाई 2024 की कुंडली का विश्लेषण करेंगे कि क्या प्रभाव आपको मिल सकता है। इस विश्लेषण को तीन पार्ट्स में करूंगा। सबसे पहले आपको बताऊंगा कि कन्या राशि को जुलाई 2024 के अंदर कौन सी गुड न्यूज मिलने वाली है इन ग्रहों के शुभ प्रभाव की वजह से। दूसरे नंबर पर मैं आपको बताऊंगा कि जुलाई 2024 में आखिर किन तारीखों पर कन्या राशि वालों के लिए सफलता के बहुत जबरदस्त योगों का निर्माण हो रहा है। और तीसरे नंबर पर फाइनली मैं आपको बताऊंगा कि कन्या राशि को किन क्षेत्रों से आखिर जुलाई 2024 के अंदर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आगे बढ़ने से पूर्व एक बहुत जरूरी सूचना आपको देना चाहता हूं। आप प्रिय दर्शक मेरी सभी वीडियोस को बहुत सारा प्यार देते हैं और उससे भी ज्यादा मुझे प्रश्न भेजते हैं अपनी परेशानियों से जुड़े हुए। आप ये जानना चाहते हैं कि किन उपायों को करके आपकी नौकरी, व्यापार, कर्ज, घर बनाने की संभावना या फिर आपकी शादी विवाह में देरी या रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स या फिर गृह कलेश की समस्या या फिर आपकी कोर्ट कचहरी के मैटर सॉल्व हो सकते हैं। ऐसे नित्य प्रतिदिन कई सारे सवाल मेरे वीडियोस पर कमेंट्स के माध्यम से मुझे प्राप्त होते हैं। इसीलिए मैं एक नए प्रयास की शुरुआत कर रहा हूं जिसका नाम है #AskSwamiji। इस श्रृंखला के अंदर ये एक वीडियो सीरीज होने वाली है। हर शुक्रवार को शाम 8:30 बजे मैं आप दर्शकों द्वारा भेजे गए प्रश्नों का समाधान आपको बताऊंगा। शाम 8:30 बजे हर शुक्रवार को, तारीख नोट कर लीजिए। अब मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में जाकर लिखना है #AskSwamiji। इसके बाद अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और अपनी परेशानी को कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर कीजिएगा। आपकी परेशानियों का अध्ययन करके मैं आपको बताऊंगा ऐसे असरदार, सटीक और आसान उपाय जिनसे मात्र 2 से 3 महीनों में आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। ये सुविधा एकदम निशुल्क है, फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको दे रहा हूं ताकि आप भी वैदिक ज्योतिष के उपायों को अपने जीवन में अपनाकर उसको बेहतर बना सके। तो अपने प्रश्नों को #AskSwamiji लिखकर सबमिट जरूर कीजिएगा। और इसके साथ साथ एक बात का ध्यान बहुत ज्यादा आपको रखना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि जब मेरा ये #AskSwamiji का जो एपिसोड रेगुलरली आए उनके नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो जाए। क्या पता अगले ही एपिसोड में आपको अपनी समस्या का समाधान मिल जाए। तो इसलिए हमारे चैनल के साथ उसको सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िएगा। चलिए वापस अपने टॉपिक पर आ रहा हूं। बात कर रहा हूं कन्या राशि के लिए जुलाई 2024 में कौन सी खुशखबरी उनको मिलने वाली है। तो सबसे पहले इनकम की दृष्टि से यहां पर बुध शुक्र का जो विशेष राजयोग का निर्माण एकादश भाव के अंदर हुआ है वो निश्चित रूप से उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया गुड न्यूज लेकर आने वाला है जिनको इस समय पर अपने प्रमोशन या फिर इंक्रीमेंट की उम्मीद थी। कन्या राशि वाले एक अच्छे बोनस को मिलने की यहां पर उम्मीद रख सकते हैं जुलाई 2024 के अंदर, विशेष रूप से पहले 15 दिनों के अंदर ही ये संभावना और ज्यादा प्रबल नजर आ रही है। बुध शुक्र का ये जो योग है ये धर्म कर्म अधिपति राजयोग बनाता है, आपकी किस्मत को चार चांद लगाता है, आपके अटके हुए कामों को बनाता है। तो कोई अगर मेरा ऐसा व्यापारी भाई बंधु है जिसका कोई काम बहुत समय से अटका हुआ था या बहुत समय से उसकी शुरुआत करने के बारे में वो सोच रहा था तो ये एक बेहतरीन समय है अपने प्रयासों को सार्थक करने का। निश्चित रूप से आपके द्वारा अपने बिजनेस के लिए उठाया गया कोई कदम आपको सफलता के शिखर पर लेकर जा सकता है। इन ग्रहों के आशीर्वाद से आपकी इनकम को दिन दुगना रात को 4 गुना तक बढ़ा सकता है। तो इस तरह की प्रॉस्पेरिटी आप अपने जीवन में जुलाई 2024 के अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वहीं सूर्य देवता की चर्चा करूं जो कि दशम भाव के अंदर इस समय पर विराजमान है, सरकारी नौकरी के एस्पिरेंट्स के लिए बड़ा अच्छा समय है। सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र अगर आपके अटके हुए थे, आपका बस अब ऑर्डर आना बाकी था, वो जो आपका लेटर होता है वो आना बाकी था, तो इस समय पर वो प्राप्त हो सकता है और ज्वाइनिंग डेट आपको मिल सकती है।
है। तो सूर्य की दृष्टि से बड़ा अच्छा समय। इसी प्रकार जो लोग सरकारी नौकरी में कार्यरत हैं, निश्चित रूप से उनके प्रमोशन के प्रबल चांसेस बढ़ रहे हैं। दो कारण हैं इसके। सबसे पहले सूर्य देवता जो कि दशम भाव के अंदर विराजमान है, दूसरे देव गुरु बृहस्पति जो कि नवम भाव के अंदर विराजमान है, जो कि आपके कद को बढ़ा रहे हैं। वहीं मंगल देवता भी जो अष्टम भाव के अंदर इस समय पर विराजमान है, सरला नामक राज्यों का निर्माण कर रहे हैं। ये उन सभी लोगों के लिए बहुत शुभ योग बना रहा है जो लोग आर्मी में है या पुलिस में कार्यरत हैं, उनके भी प्रमोशन मन चाहे जगह पर ट्रांसफर होने की प्रबल संभावना इस समय पर दिखाई दे रही है। तो इसके साथ साथ यहां पर बुध और शुक्र जो साथ में एकादश भाव के अंदर विराजमान है, वो आपको इमोशनली बहुत ज्यादा रिसेप्टिव या सेंसिटिव इस समय पर बनाने वाले हैं। दूसरों के इमोशंस को भांप कर आप इस समय पर उन्हें अच्छे से समझ करके अगर वो आपसे कोई एडवाइस ले रहे हैं तो वो आप दे पाएंगे दूसरे लोगों को, या फिर उसके अकॉर्डिंगली अगर आपको अपनी दिनचर्या में कोई परिवर्तन लाने की आवश्यकता है या उनके अनुकूल कोई डिसीजन लेने की जरूरत है तो वो भी आप इस समय पर भली भांति ले पाएंगे। ये भी एक प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। कन्या राशि के लोग अगर आध्यात्मिक यात्राओं पर जाना चाहते हैं, किसी तीर्थ के दर्शन करना चाहते हैं, तो इसके लिए भी समय उत्तम नजर आ रहा है। आप निश्चित रूप से ऐसी यात्राओं पर जा सकते हैं। अमरनाथ यात्रा के भी कपाट खुल रहे हैं। अगर आप बाबा के दर्शन करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से ये एक अच्छा समय नजर आ रहा है। लास्ट में एक और जो गुड न्यूज मैं आपको देना चाहता हूं, ये कि कन्या राशि वालों के फ्रेंड सर्कल में विस्तार होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। विशेष रूप से अगर आप पुरुष हैं तो किसी महिला से आपकी मित्रता हो सकती है, अगर आप महिला हैं तो इसी प्रकार किसी पुरुष से आपकी अच्छी मित्रता इस समय पर हो सकती है। आपके फ्रेंड सर्कल में वो एंटर कर सकते हैं और आगे चलकर उनसे आपको बहुत ज्यादा कुछ सीखने को भी मिलेगा और उनका साथ भी मिलेगा। जरूरत पड़ने पर ऐसा दोस्त आपको दगा नहीं देगा। तो ये एक प्रबल संभावना यहाँ पर कन्या राशि वालों के लिए नजर आ रही थी, वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया। अब आगे बढ़ने से पूर्व एक और जरूरी सूचना आपको देना चाहता हूं। यहां पर 27 जून को हम आपके लिए एक विशेष नवग्रह यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं और इस नवग्रह यज्ञ में हम आपके नाम से आहुति प्रदान करके नवग्रह देवताओं से इसी प्रार्थना को करने वाले हैं कि साल 2024 में आपके सभी अधूरे सपने पूरे हो जाएं। इस नवग्रह यज्ञ को आपकी सुविधा के लिए YouTube पर लाइव स्ट्रीम भी किया जाएगा, तो इस यज्ञ से जरूर जुड़े। निश्चित रूप से आपकी जो भी अधूरी मनोकामना साल 2024 में रह गई थी वो इस समय पर पूरी हो सकती है। ग्रहों का आशीर्वाद प्राप्त करने से निश्चित रूप से आपके जीवन में बदलाव जरूर आएगा। अगर आपकी राशि कन्या है और जुलाई 2024 के अंदर आप कोई मकान खरीदना चाहते हैं, किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या गृह प्रवेश के बारे में सोच रहे हैं, तो कुछ लकी तारीखें मैं आपकी सुविधा के लिए यहां पर बता रहा हूं, कुछ ध्यान से नोट कर लीजिएगा। 1 और 2 जुलाई, इसके बाद 5 से लेकर 14 जुलाई, फिर 21 जुलाई, 26 जुलाई, 27 जुलाई और 29 जुलाई की तारीखें आपके लिए इन सभी कामों के लिए भाग्यशाली नजर आ रही है। कन्या राशि के जातक अगर जुलाई 2024 में किसी बिजनेस पार्टनरशिप में एंटर करना चाहते हैं या शादी विवाह से संबंधित कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना चाहते हैं, किसी कहीं से रिश्ता आया है वहां पर मिलने जाना चाहते हैं, तो कुछ लकी तारीखें मैं आपको बता रहा हूं, ये तारीखें आपके लिए भाग्यशाली साबित हो सकती हैं। ये तारीखें हैं 1 और 2 जुलाई, इसके बाद 4 से लेकर 9 जुलाई, फिर 12 जुलाई, 21 जुलाई और 27 जुलाई की तारीखें भी इन सभी कार्यों के लिए आपके लिए भाग्यशाली नजर आ रही। मेरा ये जो लकी कैलेंडर है ये मैं सभी 12 राशियों के लिए 9 मुख्य क्षेत्रों के लिए अपनी वेबसाइट पर हर महीने रिलीज करता हूं। मेरी वेबसाइट www.shanipeet.org पर जाकर आप अपना लकी कैलेंडर चेक कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक पर जाकर भी आप अपना लकी कैलेंडर जरूर देखिएगा। इसके साथ साथ इस लकी कैलेंडर को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, नातीदारों और अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अपनी राशि के अनुसार जुलाई 2024 में बनने वाले शुभ योगों का लाभ उठा सके। चलिए आगे बढ़ रहे हैं और अब मैं कन्या राशि के लिए उन क्षेत्रों की चर्चा करना चाहूंगा जहां से कन्या राशि को सबसे ज्यादा चुनौतियां अपने जीवन में आती हुई दिखाई दे सकती। तो एक
जो प्रॉब्लमैटिक सेक्टर है वो है शेयर मार्केट में निवेश। अगर कन्या राशि के जातक जुलाई 2024 के अंदर शेयर मार्केट में निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो उनका पंचम भाव और द्वितीय भाव दोनों इस दृष्टि से थोड़ा लेस सपोर्टिव नजर आ रहा है। मेरी सलाह ये है कि आप अपनी पोजीशन को मेंटेन करके रखें, उसमें बहुत ज्यादा बदलाव ना करें, अन्यथा यहाँ पर जुलाई 2024 में किसी नुकसान को उठाना पड़ सकता है। शनि देव जी जो कि पंचम भाव के स्वामी है इस समय पर छठे भाव में जाकर वक्री हो गए हैं, तो रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। आप इमोशनली सेंसिटिव हैं, रिसेप्टिव हैं, परंतु आपके पार्टनर के मूड स्विंग्स इतने ज्यादा हावी हो सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो आपकी रिलेशनशिप को बुरी तरीके से इंपैक्ट कर सकते हैं। हो सकते हैं आपका इतना इमोशनली सेंसिटिव होना भी आपके पार्टनर को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दे, आपको अपने पार्टनर की कोई बात बुरी लग जाए, वो कुछ हंसी मजाक में कुछ ऐसा कह जाए जो आपकी फीलिंग्स को हर्ट कर दे और आपके मन में उनके प्रति द्वेष उत्पन्न हो जाए, तो ऐसी भी संभावना यहाँ पर कन्या राशि के लिए नजर आ रही है। एक और जो यहाँ पर दिक्कत परेशानी का सबब बन सकता है वो शनिदेव जी का जो वक्री होना है यहाँ पर छठे भाव के अंदर, वो कुछ बीमारियों को आमंत्रित कर सकता है। विशेष रूप से शनि से संबंधित जो बीमारियां हैं वो क्रोनिक डिजीजेस होते हैं, जैसे कि डायबिटीज या फिर कैंसर या इस तरह के जो हमारे लाइफस्टाइल चेंजिंग डिजीजेस होते हैं जैसे ब्लड प्रेशर इत्यादि, वो सब आपको इस समय पर होने की यहाँ पर संभावना बढ़ जाती है। विशेष रूप से क्योंकि ये जो पीरियड है 135 दिनों का है, तो अपने खाने पीने का, अपने हाइजीन का, इन सब चीजों का खास ख्याल रखना बहुत जरूरी है, अन्यथा शनि देव जी के इस वक्री पीरियड में ये परेशानियां बढ़ सकती हैं, विशेष रूप से जब जब बुध कमजोर होंगे। अब जैसे कि अगले महीने बुध कमजोर हो जाएंगे, यानी अगस्त महीने में बुध आपके द्वादश भाव के अंदर आ जाएंगे, तो वहां पर आपके लिए परेशानियों के जो चांसेस हैं वो कई गुना बढ़ जाएंगे, तो ऐसे समय पर और ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता आपके लिए बन जाए। एक और समस्या जो यहाँ पर कन्या राशि के जातकों के लिए नजर आ रही है वो उनके ईगो और अहंकार से संबंधित हो सकती है। राहु इस समय पर सप्तम भाव के अंदर विराजमान है। आपका एक जनरल परसेप्शन बन रहा है समाज के अंदर कि आपका ईगो बहुत ज्यादा है और आप बिल्कुल किसी बात के लिए झुकने के लिए तैयार नहीं है, किसी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। इसकी वजह से लोग जो आपके ऑलरेडी जो आपके क्लोज हैं, चाहे वो आपके मित्र हों या आपके फैमिली के मेंबर्स हों, ऐसा महसूस कर सकते हैं कि इनसे तो बात ही करना बेकार है, इनसे तो बात करना ऐसा है जैसे दीवार में सर मारना। तो इस तरीके के अपने परसेप्शन की वजह से लोग आपसे थोड़ी सी कन्नी काट सकते हैं, आपसे थोड़ा सा दूर हो सकते हैं, तो इस बात का ख्याल भी कन्या राशि को रखने की जरूरत है। विदेश यात्रा के लिए प्रयास कर रहे कन्या राशि के जातकों को इस समय पर जुलाई 2024 में निराशा ही मिलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर द्वादश भाव अष्टक वर में बहुत कमजोर नजर आ रहा है, मात्र 16 के बल के साथ वहां द्वादश भाव नजर आ रहा है, तो विदेश यात्राओं में पीआर वीजा इत्यादि को प्राप्त करने में इस समय पर कन्या राशि वाले जातकों को जुलाई 2024 के अंदर कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ये था मेरा विश्लेषण कन्या राशि के लिए जुलाई 2024 का। मेरी अपने इष्टदेव भगवान शनिदेव से यही प्रार्थना है कि कन्या राशि वालों को जुलाई 2024 के अंदर केवल और केवल मेरे बताए शुभ फलों की प्राप्ति हो और सभी विपरीत फलों को शनि देव जी अपने आशीर्वाद से आपके जीवन में प्रवेश करने से रोके। फिर भी कई सारे कन्या राशि के जातक इस समय पर परेशान हो सकते हैं, किसी को जॉब की टेंशन हो सकती है, किसी का व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, या फिर किसी के ग्रह कलेश की समस्या आ रही है, या फिर कहीं पर कोर्ट कचहरी का मैटर चल रहा है, स्वास्थ्य खराब हो सकता है, या लव रिलेशनशिप इत्यादि का समस्या हो सकता है। ऐसी सभी समस्याओं का समाधान आप मेरे से अपनी पर्सनल जन्म कुंडली का अध्ययन करवाकर ले सकते हैं। इसके लिए आपके सामने स्क्रीन पर एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो मेरा पर्सनल अपॉइंटमेंट आप घर बैठे व्हाट्सएप पर बुक कर सकते हैं। इस पर्सनल अपॉइंटमेंट के अंदर मैं आपके साथ फेस टू फेस व्हाट्सएप पर बात करूंगा, आपकी समस्या का समाधान आपको जरूर बताऊंगा। फिर भी अगर आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो ये महसूस करता है कि अभी मेरी फाइनेंशियल स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, पर्सनल अपॉइंटमेंट लेने में खुद को असमर्थ महसूस करते हैं, तो फिर आप कमेंट सेक्शन में अपनी परेशानी #AskSwamiji लिखकर मेंशन कर सकते हैं।
खास ख्याल रखना, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है ताकि वो नोटिफिकेशन ना मिस हो जाए जिस वीडियो के अंदर मैं आपकी परेशानी का समाधान बताने वाला हूं। फिर से दोहरा रहा हूं, शुक्रवार के दिन शाम 8:30 बजे हर शुक्रवार को मेरा एक नया एपिसोड आएगा #askswamiji का। ये उन सभी को देखना चाहिए जिनके जीवन में कोई परेशानी आ रही है, जिनके जीवन में कोई समस्या आ रही है। इससे आपको अपनी कुंडली का अध्ययन करने के कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स भी मिल सकते हैं कि आपकी कुंडली में इस समय पर क्या चल रहा है, तो उस एपिसोड को आपको जरूर देखना चाहिए। अब इस वीडियो में मैं यहीं पर विराम लेना चाहता हूं, मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय शनि। जय शनिदेव, जय शनिदेव गुरुजी, शनि पीठ को सभी को, सभी गुरुजनों को मैं नमस्कार करते हुए। और कहते हैं ना कि कर्ता करे न कर सके, गुरु करे सो होय, सात दीप नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई। अपन तो शिष्य हैं उनके, उनकी क्या महान महत्ता का वर्णन करें, वो गुरु हैं और गुरु गुरु ही रहते हैं, बस मैं इतना कहना चाहता हूँ। और गुरु के का गान तो कोई नहीं कर सकता, छोटे मुंह बड़ी बात हो जाती है। उसी के तरह गुरुजी मैं यहाँ इंदौर ज़िले से संजय चौधरी डकाचिया निवासी हूँ, गांव मेरा डकाचिया है। और मैं भी गुरु की शरण में गया, जब जाके मुझे भी शांति मिली थोड़ी। कहने का मतलब यह है कि हर किसी को अपने जीवन में कष्ट उठाना पड़ते हैं और कष्टों का सामना करना पड़ता है, वह निवारण सिर्फ गुरु ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। अपने माता पिता अपने को रास्ता दिखा सकते हैं, पर जो गुरु जिस मार्ग को दिखाता है वह गुरु ही है और गुरु ही सब कुछ कर सकता है। इसलिए मैं मेरे गुरु से संतुष्ट हूँ और रजनीश ऋषि जी के सानिध्य में जो हमारे गुरु जी राजकुमार गुरु हैं, मैं उनका शिष्य हूँ और मेरा काम बहुत अच्छे से चल रहा है। बस मैं यही कहते हुए सभी शक्तिपीठ को धन्यवाद देता हूँ और इसी काम के लिए अग्रसर रहें और सबका हित चाहते हुए सबकी मनोकामना पूर्ण हो। जय शनिदेव।